नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। आप लोग अपना सामान उतारिए, तब तक मैं बाबा को बुला के लाऊं। ठीक है। इस लड़की और डिकोस्टा के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है? ये रसमलाई और डिकोस्टा के बीच एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है ये तो बाद में ही पता चलेगा। रसमलाई ने जो कहानी हमें रास्ते में सुनाई थी उससे बार बार मेरा शक दोनों पर जाता है। तुम्हारा क्या ख्याल? ख्याल? अगर यही ख्याल मेरा होता तो आप सब लोग यही कहते कि तुम पुलिस वालों को हर किसी पे शक करने की आदत सी होती है। अजीब पागल है ये साहब। पागल लोग तो अजीब ही होते हैं साहब। वो वाकई पागल है। वो अक्सर यहाँ भटकता रहता है। ये डिकोस्टा बाबा है। आई एम विक्रम। हेलो प्रोफेसर एन के चावला। हेलो। हेलो खिलाड़ी। हेलो। हेलो एंड नीलू। हेलो। हेलो हम लोग बॉम्बे से यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग कुछ दिन यहाँ ठहर जाए। बाबा इनकी गाड़ी भी खराब नहीं हुई। क्या मतलब? स्कूटी में ठहरने के लिए गाड़ी का खराब होना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है। आप लोग लकी हैं। आइए। कितना बड़ा कितना सुंदर हॉल है। तो फिर तुम रात को यही रुकना ताकि अगर कोई गायब करने वाला आए तो तुम दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाना। रसमलाई। मिस्टर डिकोस्टा, रसमलाई ठीक ही तो कह रही है। मेहमानों की खाते नवाजी के लिए कोई ना कोई तो होना ही चाहिए ना। नहीं साथी, नहीं, अकेला इस हॉल में रहूंगा तो मैं डर जाऊंगा। खिलाड़ी तुम्हें कहा ना तुम यही सोओगे। यही मरूंगा। रसमलाई। जी बाबा। तुम इनको इनका कमरा दिखाओ, हम चर्च होकर आता है। अच्छा बाबा, चलिए प्रोफेसर साहब आइए। मैम साहब चलिए चलिए चलिए। अरे तुम कहाँ चले? सुना नहीं तुम्हें यही रुकना है। मुझे यही मरना है। अबे तू भी मर। ये आपका कमरा है, आइए। प्रोफेसर साहब आपका कमरा वहां है, आइए। बाय प्रोफेसर साहब। बाय। गर्मी है। ओफो जनाब, को वहां तो बेड पर बैठने के लिए भी बोलना पड़ता था, यहाँ तो आते ही लेट गए। अरे यार कभी तो कुछ और बात कर लिया करो। ओ डार्लिंग, ऐसा मौका बार बार थोड़े आता है। रियली? अरे एक बात तो मैं पूछना भूल ही गई, आप लोगों का खाना मैं घर से बना कर लाऊं? नहीं शुक्रिया, हमारा खाना खिलाड़ी बना देगा। जी अच्छा। संगे मरमर से तराशा हुआ ये शौक बदन, इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। तुमसे क्या रिश्ता है कब से ये मालूम नहीं, लेकिन तेरे हर एक जलवे पे मर जाने को जी चाहता है। अब क्या है,
एक बात और मैं कहना भूल गई, आप लोग रात को खिड़कियां बंद कर लेना, वरना रोशनी देखकर कीड़े पतंगे अंदर आ जाएंगे और आपको सोने नहीं देंगे। हम खिड़कियां बंद कर लेंगे, तुम जाओ। यार ये कोठी तो पूरा पागल खाना है। अब क्या बाकी है? दरवाजा बंद करना। जब भी आप लोगों को सोना हो तो दरवाजा बंद रखा कीजिए। रसमलाई जी, अगर आप इसी तरह बार बार बीच में अटपकेंगे तो हम आराम कैसे करेंगे? हाँ ये बात भी ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। ठीक है, बाय। ये घड़ी के पेंडुलम की तरह बार बार अंदर बाहर क्यों हो रही है? मुझे क्या पता, कहीं इस चुड़ैल के साथ तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल गया? तुम्हें ऐसा लगता क्या? लगता तो नहीं है, लेकिन तुम मर्दों का भरोसा भी नहीं, तुम इसे कुछ कहते भी तो नहीं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं अभी चक्कर चला के आता हूँ। अरे नहीं डालेंगे, ऐसे कैसे छोड़ू डालेंगे। आई लव यू डालेंगे, आई लव यू। अरे डालेंगे, अरे डालेंगे, अरे जल्दी आना। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे डर लग रहा है। अरे तुम तो बड़े खिलाड़ी हो, कुछ चक्कर चला लेना। चक्कर? चक्कर हाँ, एक चक्कर चल सकता है। वो क्या? सुनो सुनो सुनो, रात को तुम भी नहीं सो जाना। मैं वो मिठाई नहीं जिसे चीटे खा जाए, समझे? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं अपनी रसमलाई को चख रहा हूँ। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम ऐसी वैसी नहीं हो, इसीलिए तुम्हारा दिल ऐसा वैसा हो रहा है। कैसा कैसा हो रहा है? कैसा कैसा हो रहा है, लो तुम खुद ही देख लो ना। हाय राम, ये तो जोर जोर से धक धक कर रहा है। चलो चलो हम वैद्य के पास चले। रसमलाई, ये दिल का दर्द है, कहते हैं कि इस उम्र में दिल का दर्द दवा से नहीं मिटता। अच्छा फिर कैसे? फिर कैसे, तुम अपना दिल मेरे दिल से लगा दो, बस मेरा दिल अपने आप, नहीं नहीं नहीं, दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। नाम खिलाड़ी है लेकिन एक कमान आड़ी हो। प्यार के खेल में पहला ओवर ऐसे ही होता है, बाद में सभी चौके छक्के लगाते हैं, मगर तुमने मुझे खिलाड़ी नंबर वन बना ही दिया है। कोठी चलो ना। ना बाबा ना, मुझे नहीं जाना मरने। मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरा सांप जो वहाँ पर है। मरने दो अपने साथ, मेरे साथ चलो मेरे घर। तुम्हारे घर? चलो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा बाप मार डालेगा। मेरे माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं है, वाह कितनी अच्छी बात है। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि जिसके सास ससुर नहीं होते वो स्वर्ग, वो ससुराल स्वर्ग होता है। चलो स्वर्ग चलते हैं। हे भगवान, मैं गायब होने से बच गया। चलो चलो चलो, we'll be right back.
खिलाफ? आप इस तरह दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे? आवाज नहीं दी। कैसे आवाज दूं? तुम्हारे बाप की डांट खा खा कर मेरी तो आवाज चली गई। आधे घंटे से डांट रहा मुझे, कहता है कि मेरी बेटी से बात क्यों करवाई, कहाँ है वो, क्या कर रही वो। तो आपने बता दिया होता। किसे बता दूं, कोई भी बात करने जाता हूँ तो सुनने से पहले ही चिल्लाने लगता है, अब भी चिल्ला रहा होगा। सच कहते हैं पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। लो अब तुम ही उसका भाषण सुनो, और हाँ जब उसकी डांट पूरी हो जाए ना तो मेरा गुड नाइट कह देना। गुड इवनिंग सर। शट अप प्रोफेसर, आवाज बदल कर मुझे गुस्सा मत दिलाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं विक्रम बोल रहा हूँ सर। ओ विक्रम। यस सर। विक्रम प्रोफेसर कहाँ गया? प्रोफेसर साहब आपको गुड नाइट बोल के सोने चले गए। तुमने अभी तक मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं आपको फोन कर रहा था सर, लेकिन नील मोबाइल यहीं के तक नहाने चली गई थी सर। दो घंटे से ना रही है क्या? सर वो क्या है कि यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है, इसलिए बार बार नहाने का दिल चाह रहा है सर। नीलू का ख्याल रखना, उसे जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ठीक है सर, वो तो मैं रख ही रहा सर। नीलू को फोन दो। ओके सर। ए ये तेरा बुढ़ा खुसर जब भी देखो गोलियां मारने लगता है। देखा सच बोला तो मिर्ची लगती है। हेलो डैड। हाय नीलू, तुम ठीक से पहुंच गई? हाँ डैड, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गए। नहीं डैड, आपने इतना स्मार्ट बॉडीगार्ड साथ में भेजा है कि क्या हुआ तुम्हारी आवाज को? कुछ नहीं डैड, वो ठंड लग रही है ना इसलिए सीसी की आवाज नहीं लग रही है। वो विक्रम तो कह रहा था वहाँ गर्मी हो रही है। गर्मी गर्मी तो है, लेकिन मैं बहुत देर से नहा रही थी ना इसलिए ठंड लग रही है। पहन लो गर्म कपड़े, पहन लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। डैड मैंने गर्म कपड़े पहन लिए हैं। तुम ऐसा करो तुम गर्मा गर्म सूप पी लो। ओके डैड, मैं विक्रम से कहूंगी मुझे गर्मा गर्म सूप पिलाने के लिए। ओके डैड गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कर रहे हो? बेशरम, फोन भी बंद नहीं करते। विक्रम इतनी रात को कहाँ जा रहा है? बस बहुत हो गया, स्टॉप दे। तुम और कितना बेकसूर लोगों का जान लेगा? तुमको गॉड का वास्ता, तुम अब कोई खून खराबा नहीं करेगा। जो लोग खड़ा है उनका खून नहीं होना मांगता। खून नहीं होना मांगता, खून नहीं होना मांगता। हम बोलता है खून नहीं होना मांगता। बस खबरदार हिलना नहीं वरना मैं गोली मार दूंगा। कौन है तुम? कौन है तुम? पीछे मुड़ो। दिखोस्ता तुम? हाँ। कौन था दूसरा आदमी? किसे तुम बातें कर रहे थे? यहाँ दूसरा आदमी कोई नहीं है। झूठ मत बोलो, कौन था वो? डेगोस्टा कभी झूठ नहीं बोलता। तुम सच बोलते हो या गोली मार दो। विक्रम क्या कर रहे हो? विक्रम प्रोफेसर साहब ये वही आदमी है जिसकी वजह से इतनी सारी हत्याएं हुई हैं। ये आदमी उन सबकी मौत का जिम्मेदार है। जो लोग यहाँ पे खुशियां मनाने आया करते थे उन्हें ये मौत के घाट उतार दिया करता था। डेगोस्टा मैंने भी तुम्हारी सब बातें सुनी, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो। बोल, मैं कहता बोल कौन था दूसरा आदमी? बोल। बोला ना यहां कोई दूसरा आदमी नहीं था। तो वो फिर तुम किससे बात कर रहे थे? कौन था वो? अपना डॉक्टर रूबी से। रूबी कहां है वो? कहां है वो? अच्छा तो सीधी भाषा तेरे को समझ में नहीं आती। हाँ अब तू नाटक करके पुलिस को गुमराह करेगा? बोल कौन था दूसरा आदमी? बोल। हम क्या गुमराह करेगा साहब, गुमराह तो हमको किया हमारा डॉक्टर छीन के, हमारा डॉक्टर को गुमराह किया,
उसका जिंदगी छीन कर। मतलब हमारा डॉटर अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था तुम्हारी बेटी के साथ? वही जो गरीब और मजलूमों के साथ होता है, जो मालिक लोगों को फरिश्ता समझकर सेवा किया, वही शैतान बन गया। हमारा हमारा फूलती बच्ची को कुचल दिया था, मार दिया उसको, उसका बॉयफ्रेंड चाली को भी मार दिया। बहुत चाहता था हमारा बेटी को। देखो आज हम तुम्हारे लिए क्या लाया है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिंग। लेकिन सस्ता है। कीमत गिफ्ट का नहीं, देने वाले का फीलिंग्स का होता है। तो मेरा फीलिंग को समझो और फटाफट उंगली बढ़ाओ। क्या हुआ? वो ये सब शादी का बाद। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? भरोसा तो है, लेकिन ये सब शादी का बाद ही अच्छा लगता है। तो ठीक है, हम आज ही चर्च में चलकर गॉड के सामने तुम्हें अपना लेंगे। ओ माय गॉड। अब क्या हुआ? अब तक तो हमें घर पहुंचना चाहिए था। वहाँ सब लोगों को जाके खाना देना है ना। क्या रूबी, अभी तो आई हो, अभी चली जाओगी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पापा का तबीयत भी ठीक नहीं है। तो ठीक है, उन लोगों को खाना देकर चर्च चलेंगे। ओके, लेकिन हम मिलेंगे कहाँ? कोठी के पीछे हम तुम्हारा इंतजार करेगा। ओके, लेकिन अभी हम चलता है, पापा इंतजार करता होगा ना, देर हो रही है। Cheers! नागराज, यार ना तो मैं योगी हूँ और ना योग जानता हूँ, फिर भी लोग मुझे योगराज कह रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। मेरी ट्रेजेडी तो तुमसे भी दर्दनाक है। मैं ना तो नाग हूँ और ना तो राजा, फिर भी लोग मुझे नागराज कहते हैं। और मेरा नाम सुनते ही लोग डर के मारे कांप उठते हैं। वो समझते हैं कि मैं कोई खौफनाक आदमी। वैसे वो गलत नहीं सोचते, तू शक्ल से ही भयानक लगता है बे। अच्छा, हाँ ठीक है, तुम्हारी नजरों में लगता होगा, लेकिन वैसे मैं बहुत शरीफ हूँ। तभी तो मेरा मैनेजर वाग मारे दिवाली पर 4,000 की चपेट लगाया मुझको। वो कैसे? दिवाली आ रही थी, सोचा कि फार्म हाउस में कम से कम चुनाई लगवा दूं, तो मैंने उसको 4,000 रुपए दिए। दीवारों पर चुना लगाने के बजाय वो नागराज को चुना लगा गया, 4,000 की दारू पी गया। हंसता है। वैसे नागराज एक बात बता दूं, डिकॉस्टा डैडी के जमाने का नौकर जरूर है, बुढ़ा हो गया है, लेकिन पैसे के मामले में बहुत ईमानदार है। अच्छा, वैसे वाग मारे भी बुरे दिल का आदमी नहीं है। हाँ, जब थोड़ी पी लेता है तब अपने आप को राजा महाराजा समझने लगता है। नागराज, ये दारू है बड़ी कुत्ती चीज। सही कह रहे हो। ये तुम बोल रहे हो, जिसकी शाम होते ही घंटी बज जाती है। हमारे पीने से ये शराब गंगाजल नहीं बन जाएगी नागराज, ये है ही बड़ी कमीनी चीज। इसे पीने के बाद बड़े बड़े देवता शैतान बन जाते हैं। प्रवचन देने लग गया। तुम्हारे माँ बाप ने सही नाम रखा है, योगराज। हाँ यार, वो तो ठीक है, लेकिन ये टिकॉस्ट गया किधर है यार? चकना लेने गया, कहाँ गया यार? अभी वो चकना लेके नहीं आएगा, सीधा खाना लेके आएगा। एक गलती हो गई है, एक गलती हो गई है, हमें कुछ कबाब सबाब जरूर लाना चाहिए था। कबाब नहीं, शबाब चाहिए। ओके ओके यार, इतना गर्म क्यों होता है? और चाहिए ना। ये अमावस की रात में ये चांद कैसे निकल आया? अबे चांद तो उधर से निकलता है, बंदे उधर से। पीछे देख। या ये चांद नहीं है नेगो, ये तो चकना है, चकना। ए, सुनो। रुको, तुम यहाँ कैसे? तुम कौन हो? हम मिस्टर डिकॉस्टा का बेटी है। डिकॉस्टा? यानी कि तुम रूबी और रूबी? हाँ, हम आपके लिए खाना लाए। खाना टेबल पे रख दो ना। अच्छा। स्वीटहार्ट, नेगो
एक चकना तो आ गया।